हाय नमस्ते बड़ा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना एक अच्छा काम करने के लिए निकले हुए हैं। हम लोग का जो एक नेपाली लोग का आक्सू ग्रुप होता है ना, ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन, तो हम लोग का जो गांव में विलेज में जो भी है मतलब आक्सू से रिलेटिव, तो हम लोग सब निकल के हम लोग का जो ये फील्ड था, हम लोग का ग्राउंड, ये सब हम लोग ने फाइनली साफ कर चुका है। अभी हम लोग जाएंगे हम लोग का उधर जो डोंगबिल चरा लिया, हम लोग को बहुत ही गंदा होकर रखा है, तो हम लोग आज साफ़ सुथरा करेंगे। भाइया लोग यहाँ पे, बहन लोग भी है। हाय, तो यहाँ पे बहन लोग भी है, मेरा सब दीदी है, मेरा फ्रेंड्स भी है, दीदी लोग भी है यहाँ पे। हाय, तो सभी काम कर, क्यों कैसा लग रहा है आप लोगों को काम करने के लिए? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। गुड, बात करने का स्टाइल ही अलग है ना बहन जी का, हमको बल्च खुल हो रहा है। रश्मि यहाँ पे, रश्मि जी भी है मेरी दोस्त, स्कूल फ्रेंड, आप लोग ने मेरा पहला वीडियो। तुम्हारा भी चैनल है, क्या नाम है? रश्मि शर्मा बोल के उनका भी एक चैनल है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी मैं भाई लोग के पास जाता हूँ उधर। यहाँ से हम लोग लेकर यहाँ पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में हम जस्ट सूखेगा ना, पूरा जला के यहाँ पे राख कर देंगे। तो वही तो भाइयों को कैसा लग रहा है काम करने के लिए? बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। जो हम लोग प्राउड, हम खुद को प्राउड करेंगे, हम लोग गोरखा है ना, आक्सू ग्रुप से जो कमेटी से हम लोग ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग का गांव अच्छा है, तो सब अच्छा हो, गांव अच्छा है तो राज्य अच्छा है, राज्य अच्छा है तो क्या है, स्टेट, सॉरी काउंटी अच्छा होगा, दुनिया अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग पहले से अभी गांव से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अभी हम लोग चाली, उस तरफ पे हम लोग का डोंगबिल चाली, वहाँ पे पूरा इतना साफ सुथरा करेंगे, बस आप लोग देखते रहना, हम लोग को सपोर्ट करते रहना, हम लोग ऐसे करते जाएंगे। तो वही जय हिंद। मैं जो गांव पे बिलीव करता हूँ, देखो ना गाइस इतना खराब रोड है, खुद को दुख लगता है। हाँ, हम लोग भी कभी कभी बाइक वगैरह चलाते हैं, लेकिन पानी ना है, अगर कॉलेज ड्रेस पे कहीं भी जाते हैं ना, कॉलेज पे तो खत्म गंदा हो जाता है, पैंट वैंट वगैरह, बरसा का महीने में देखो ना इतना गड्ढा गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो क्या कर सकते। तो इसीलिए हम लोग सोचा है कि आज से अच्छा अच्छा काम करेंगे बोल के, यहाँ पे ऐसा गड्ढा करके नाला बना के उधर पानी लेके जा रहे हैं, इतना बहुत ही बड़ा बड़ा, आगे तो क्या ही मतलब नदी मिलेगा, देखो ना यार क्या ही बोलो, और आप लोग खुद देख के इमेजिन कर सकते हैं यहाँ का हालत कैसा है। जय गोरखा। तो दोस्तों बहुत काम करें, देखो पसीना पसीना हो गया, तो कोई नहीं कि अपना 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 गांव को साफ करना तो आपने लिए ना, इसीलिए हमें बढ़ रहे आगे। तो आगे पहुंचने वाले हम लोग का चाराली पे, डोंगबिल चाराली पहुंच के पूरा हम लोग इतना साफा करेंगे, बहुत ही गंदगी होके रखा वहाँ पे, जाएंगे और वहाँ का जो शॉप है उन लोगों को भी बोलेगा कि ऐसा मत करो बोले। इतना छोटा छोटा भाई लोग भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखने से, खुद को एक जोश आता है, इतना छोटा छोटा भाई करे तो हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। जय गोरखा, जय हिंद। हम लोग तो जो अभी कर सकते हैं वो तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदा है रास्ता यार, वहाँ से लेकर अभी वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक भी बस ख़त्म, ऐसे रास्ते है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, पूरा मतलब मछली भी यहाँ पे तैर सकेगा, इतना पानी है, देखो आप लोग भी देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है यहाँ पे।
मेरा साथ में चलो राइसर का तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हम लोग अड्डा बीच में यहां पे बहुत ही गर्मी है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी हम लोग पूरा यहां पे साफ सुथरा करने गए यहां से स्टार्ट देखो कितना जंगल बन के रखा हुआ है और देखो प्लास्टिक कितना खराब से यहां पे फेंका हुआ है ना तो सब साफ करेंगे यहां से अभी वहां पे प्लास्टिक जमा करके रखा है वो भी रखेंगे और डस्टबिन रोशन दा डस्टबिन को व्यवस्था छ ने हाँ मतलब डस्ट हम लोग कलेक्शन करके हम लोग का तरफ से मतलब डस्टबिन भी तैयार कर रहे हैं कि भी यहाँ पे डस्टबिन भी रखेंगे हम लोग आज से यहाँ पे बोलेंगे कि ये सब मत करो यहाँ पे मत फाको हम लोग डस्टबिन हम लोग का कलेक्शन से सबसे जो भी जितना भी हम लोग कर सके वो मतलब यहाँ पे रख देंगे और जितना शॉप है सबको हम बोल देंगे कि डस्टबिन पे ये सब प्लास्टिक वगैरह फेंकना है बोल के हम लोग बोल देंगे जय गोरखा जय हिंद ब्रो जय हिंद कुणाल भाई जय हिंद बढ़िया जय हिंद जय हिंद भैया जय हिंद जय हिंद जय हिंद पूरा जमा करके रखा है प्लास्टिक वगैरह ये सब साफ करेंगे और हम लोग हर एक जगह पे मतलब डस्टबिन रख देंगे कि बोलेंगे कि आज से डस्टबिन पे डालो बोल के खास गरी हम गोरखा आक्सु कमिटी ने हमें गरेको हो हैन त्यो हाम्रो गन्दी चराली हाम्रो आफ्नो चराली हो हामीले अगर हाम्रो आफ्नो गाउँ सफा गर्यौँ भने हाम्रो स्टेट सफा हुन्छ स्टेट सफा भने हाम्रो कन्ट्री सफा हुन्छ त्यही लागि हामीले यो एउटा राम्रो गरेका छौँ लाग्छ हामीले राम्रो हेल्प गर्नु कमेन्ट गर्नु हाम्रो यो काम कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई देखो यहाँ पे कितना खराब हो चुका है पोल्यूशन होता है ना ये सबसे बीमार होता है गांव को यहाँ से कितना कीटाणु जन्म लेते हैं ऐसे ऐसे कीचड़ से तो ऐसे गंदगी से तो कीटाणु जन्म लेते हैं और हम लोग का वही कीटाणु से हम लोग बीमार होते हैं इसीलिए हम लोग साफ करने का हम लोग अभी ये लेके जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा आगे में यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं भैया यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद एक कुछ गाड़ी आके लेके जाएगा ना ना क्या है ये सिस्टम इसका ये आज तो शायद नहीं होगा एक दो दिन बाद लेके जाएगा हाँ तो ऐसे मतलब यहाँ पे सब जितना भी उधर का मतलब गंदा जो भी चीज़ है प्लास्टिक वगैरह सब बोतल जो भी है मतलब देखो कितना गंदा होकर रखा है तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा करेंगे यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद दो तीन दिन के बाद हम लोग कॉल करेंगे वो जो उठा कचरा उठाने वाला गाड़ी को हम लोग बुलाएंगे वहाँ से लेके जाएगा और वहाँ का जो जहाँ पे मतलब डालते हैं वहाँ पे जाके डाल देगा तो हम लोग का चार इतना साफ हो गया तो हम लोग के लिए अच्छा है ना तो बस आप लोग कॉमेंट करना कैसा लग रहा है आप लोग को ये सुनो हम लोग जो अभी तुम लोग तेरा भी दुकान है ना चार्ली पे तो हम लोग ये साफ कर रहे हैं तुमको कैसा लग रहा है एकदम बढ़िया ना अभी सुनो ना भाई अभी जो हम लोग साफ कर रहे हैं ना तुम जैसा दुकान है तुम्हारा तुम मतलब नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे ये सब मत फेंकना जितना भी ये बोल देना ठीक है बढ़िया
भी एक शॉप है ना दुकान पे, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से तुम ये सब यहाँ पे कीचड़ मत फेंकना, एक डस्टबिन पे डालो बोला है। कुछ खराब बोला है? नहीं बोला है ना, तो वही कैसे नहीं, वो लोग का दुकान है तो करेगा ना। सच्चा भारत, सच्चा भारत अभियान, सच्चा भारत अभियान। यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे दोस्त लोग है, सब मेरा दोस्त है, यहाँ पे दीदी भी है। ये सब करने से ना सब एक दोस्त लोग इकट्ठा भी होते, जो दोस्त के साथ बातचीत नहीं होता वो दोस्त लोग भी आते हैं, भैया लोग आते हैं, दीदी लोग आते हैं, तो मतलब बातचीत भी होता है, काम भी होता है, टाइम पास भी होता है, हंसी मतलब मजाक भी होता है, बहुत कुछ होता है। ये भाई बहुत काम कर रहा है ये ब्रो, इसका जो भी सपना है पूरा होगा मेरे तरफ से। थैंक यू बिफोर कैसा था, अभी आफ्टर देखो कैसा हुआ है, पूरा प्लेन हो गया यहाँ पे बहुत। हम लोग ने जितना भी यहाँ पे गंदगी था सब साफ कर चुका है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी, है कि नहीं ब्रो? यहाँ पे कैसा था, मतलब एक माउंटेन जैसा बन के रखा था यहाँ गंदगी से, अभी यहाँ पे थोड़ा साफ हो गया। फिर भी एक दिन हम लोग करेंगे, अभी ये काम जो आज ही स्टार्ट किया है तो करेंगे हम लोग। कितना प्लेन हो चुके रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आगे हम अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस पे, कुछ खाएंगे पराठा वराठा, बहुत सुबह से भूख भी लग रहा है, कुछ किया है तो कुछ खाना भी बनता है। तो चला अभी क्लब हाउस में मिलते हैं। और जो डस्टबिन का बात बोला था मैंने, तो आज वो कंप्लीट नहीं हुआ है बन के, तो कल तक या परसों तक बनेगा बोला है। तो बोल जब वो कंप्लीट होगा तब हम लोग वहाँ पर एक अच्छा वाला जगह देखें, हम लोग वहाँ पर रख देंगे। और पूरा मतलब जितना भी ये भैया लोग है, जितने भी दुकान मतलब जितने भी है ना, सबको हम लोग बोल दिया कि अभी से ऐसा मत फेंको, एक एक अच्छा वाला डस्टबिन हम लोग रख देंगे वहाँ पे कलेक्ट कर बोला है। जैसे यहाँ पे पूरा भर के रखा है ना, एक दिन हम गाड़ी बुला के ये सब लेके जाएंगे उस तरफ, जहाँ भी मतलब कचरा फेंकने का जगह है वहाँ तक लेके जाएगा। तो अभी चलो हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं क्लब हाउस पे, पराठा वराठा खा लेते, क्या है खाने का इंतजाम, चलो देखते हैं। अभी फ्रेश हो लिया, अभी हम लोग बैठ रहे हम लोग का क्लब हाउस में, फिर थोड़ी देर में अभी आ रहा हम लोग का भोजन। आर भोजन मतलब पराठा है, भैया लोग लेने के लिए गया है, तो हम लोग सब यहाँ पे बैठ रहे हैं अभी ऐसे ही। तो थोड़ी देर बाद हम लोग गप्पा गप खाएंगे, पूरा भूख लग रहा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी वेट करते हैं, बस आप लोग भी वेट करते रहना। और आज का वीडियो आप लोग कैसे लगा, जो हम लोग ने इतना अच्छा काम किया है, हम लोग का जो गांव चाराली जो भी है, मतलब इतना पूरी साफ सुथरा किया हमने, इतना गंदगी था मतलब आप लोग ने देखा ही होगा, बस आप लोग कमेंट करना हम लोग का काम कैसा लगा। जय गोरखा, जय आयोकम, जय हिंद। चुका है, कैसा एक्साइटेड है ना, भूख खाने के लिए बहुत भूख लग रहा है ना कब से। हम लोग का मिंटू भैया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो कितना अच्छे से खा रहे हैं अभी। सिस्टम मिला देंगे सबका रोटी, तो अभी मैं खा लेता हूँ, अभी थोड़ा देर बाद में मिलूंगा, क्योंकि अभी बिना खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो पूरा सोपरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है, अभी मैं फ्रेश हो लेता हूँ। तो आज हम लोग ने जो भी काम किया, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, हम लोग को सपोर्ट करते रहना। ये मतलब हम लोग का गांव का आपसू का कमिटी से हम लोग आप लोग का हम लोग का गांव मतलब हम लोग क्लीन कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, हम लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अच्छा काम है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो पे ढेर सारा कमेंट करेंगे, प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो वही आज का वीडियो इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, बाय बाय।